फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का ऑफिस गिराकर बीएमसी मुंबई सहित पूरे देश में घिर गई। शिवसेना और उद्धव ठाकरे के दबाव में बीएमसी ने कार्रवाई की और कंगना का ऑफिस गिरा दिया। हालांकि मामला कोर्ट में है और कंगना की याचिका पर 22 सितंबर को सुनवाई होगी, लेकिन इस बीच कंगना बीएमसी पर रोज हमला करती हैं। ऑफिस टूटने के बाद से कंगना बेहद खफा हैं और उद्धव ठाकरे और बीएमसी उनके निशाने पर है। कंगना ने एक बार फिर ट्वीट कर बीएमसी को निशाने पर लिया है। कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी के नाम एक खास संदेश लिखा है और अपने इस नोट में उन्हें बीएमसी को राज्य सरकार का पालतू कहकर बुलाया है। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में इमारतों को नुकसान पहुंचाने के संबंध में मुंबई नगर निगम अधिनियम 1888 की धारा 351 में उल्लेखित नियमों का जिक्र किया। इसमें लिखा गया इमारतों की संरचना को नुकसान पहुंचाने के संबंध में नगर निगम के नियम व्यक्ति विशेष को 15 दिनों का नोटिस दिए जाने के बाद ही इमारत की संरचना ढाई जा सकती है। संरचना अवैध होने पर भी उसे तोड़ते वक्त अगर नगर निगम नियमों का उल्लंघन करता है तो उन्हें कुछ मुआवजे का भुगतान करना पड़ता है और जिन भी ऐसे मामलों में मुआवजे का भुगतान किया है उनकी वसूली उन अधिकारियों से की जाती है जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। कंगना ने अपने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है महाराष्ट्र सरकार और इनके पालतू बीएमसी के लिए खास संदेश। वहीं कंगना ने बीएमसी से 2 करोड़ मुआवजे भी मांगे हैं, जबकि बीएमसी ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर कर कंगना के आरोप को गलत ठहराया है। हालांकि यह फैसला 22 सितंबर को होगा कि कौन सही है और कौन गलत। वहीं मुंबई में अपना ऑफिस गिराए जाने और शिवसेना की तरफ से धमकी देने के बाद कंगना रनौत ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से की थी। अब कंगना रनौत ने खुद का स्टैंड लेते हुए अपने इसी बयान को डिफेंड किया है। वहीं कंगना ने सांसद संजय राउत को आड़े हाथों लिया है। कंगना रनौत ने कहा कि मेरा मुंह तोड़ा, मुझे हरामखोर कहा गया तो मैंने कहा मुंबई पीओके जैसी क्यों लग रही है, लोगों ने इसका फायदा उठाया, इकट्ठा हुए, मुझे घेरा, मैंने पीओके बोला, मुझे सीरिया बोलना चाहिए था, क्योंकि जब राहुल गांधी ने बोला था कि भारत सीरिया की तरह है उनको किसी ने नहीं घेरा और ना ही उनका घर तोड़ा, इन लोगों के साथ आखिर दिक्कत क्या है। दरअसल कंगना रनौत ने ट्विटर पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर कहा था कि वो मुंबई में सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी। उन्होंने लिखा था संजय राउत शिवसेना के लीडर ने मुझे खुली धमकी दी है कि मैं मुंबई वापस ना आऊं। मुंबई में आजादी की पेंटिंग्स और खुली धमकी मुंबई पीओके जैसी क्यों लग रही है। हालांकि कंगना और शिवसेना के बीच विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है और कंगना हर दिन उद्धव सरकार को घेर रही है। वहीं कंगना का ऑफिस तुड़वाकर उद्धव ठाकरे बुरी तरह फंस गए हैं। केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेश का विरोध कर कांग्रेस गिर गई है। बीते दिनों कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता संजय झा ने कांग्रेस की पोल खोलकर रख दी थी। संजय झा ने ट्वीट किया था कि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में भी यही वादे किए गए थे। हालांकि इस बिल को चर्चा के लिए राज्यसभा में भेजा गया तो कांग्रेस यहां भी गिर गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत बिल पर बोलते हुए सांसद हरसिमरत कौर के इस्तीफे पर तंज कसते हुए बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था खत्म नहीं की जाएगी, ये सिर्फ अफवाह है, तो क्या अकाली दल के मंत्री ने एक अफवाह पर भरोसा करके कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। ये इतने कच्चे कान के खिलाड़ी हैं कि सिर्फ अफवाह सुनकर एक मंत्री कैबिनेट से इस्तीफा दे देता है। राउत ने कहा कि अगर ये बिल किसान विरोधी है तो पूरे देश में विरोध क्यों नहीं हो रहा है, सिर्फ कांग्रेस ही विरोध क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा के किसान सड़क पर आए, अगर ये बिल किसान विरोधी है तो पूरे देश में विरोध क्यों नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि बिल के बारे में भ्रम है। राउत के मुताबिक भ्रम कांग्रेस ने ही फैलाया है। राउत के अलावा भी कई दिनों से कांग्रेस को इस बिल पर घेरा गया। राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विधेयक पेश किए। कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों ने विरोध किया। वाईएसआर कांग्रेस ने बिल का समर्थन करते हुए कांग्रेस को पाखंडी करार दिया। पार्टी के सांसद वी विजय साई रेड्डी ने कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र लहराते हुए कहा कांग्रेस ने भी यही वादे घोषणा पत्र में किए थे जिन्हें इस बिल में रखा गया है। भाषण के दौरान रेड्डी ने कांग्रेस के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि उसके सांसद आग बबूला हो गए। हालांकि कृषि अध्यादेश का विरोध करना अब कांग्रेस को महंगा पड़ रहा है, क्योंकि ये बात साफ हो गया कि कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस बिल का विरोध कर रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना मुश्किल में फंसती जा रही है। सुशांत सिंह की हत्या पर राजनीति कर उद्धव ठाकरे पहले ही घिरे हुए हैं। उसके बाद अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ उद्धव ठाकरे ने बदले की राजनीति की। हालांकि अब उनकी इस राजनीति पर अंकुश लग सकता है, क्योंकि उद्धव उनके बेटे आदित्य ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले तीनों चुनाव आयोग के फेरे में फंस गए हैं। दरअसल तीनों पर चुनावी हलफनामे में संपत्ति और देनदारी की गलत या अधूरी जानकारी देने का आरोप है। चुनाव आयोग ने इसके खिलाफ शिकायतों की जांच सीबीडीटी को सौंपी है। जानकारी के मुताबिक शिवसेना और एनसीपी नेताओं के चुनावी हलफनामे में काफी गड़बड़ी पाई गई है। अपनी संपत्ति और देनदारी की गलत और अधूरी जानकारी देने के चलते तीनों नेताओं को जांच का सामना करना पड़ सकता है।
शिकायतकर्ताओं ने अपने दावे के समर्थन में कुछ सामग्री का हवाला दिया है, जिससे पता चलता है कि नेताओं के हलफनामे में लिखी गई डिटेल सही नहीं है। माना जा रहा है कि इसी वजह से चुनाव आयोग ने मामले को CBDT को भेजा है। अब चुनाव आयोग को कार्रवाई के लिए CBDT से अपडेट का इंतजार है। अगर नेताओं पर लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल आ सकता है, क्योंकि इसके बाद तीनों पर केस दर्ज किया जा सकता है और गलत जानकारी देने के आरोप में तीनों को जेल भी हो सकती है। महाराष्ट्र में अब गठबंधन सरकार एक बार फिर बड़े मामले में फंसती दिख रही है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें नाम महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे का भी है। अब ठाकरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ एक बार फिर टूट पड़ा है, क्योंकि उद्धव के बेटे आदित्य का नाम सुशांत की हत्या में भी सामने आया था, जिसके बाद आदित्य ने खुद इस मामले को लेकर सफाई दी थी। वहीं सत्ता में शामिल कांग्रेस पहले ही उद्धव सरकार से खफा है। ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे चुनाव आयोग के पचड़े में फंस जाते हैं तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की CM की कुर्सी पर भी खतरा मंडराने लगेगा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से मोदी सरकार ने हटा दिया। विरोध करने वाले और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से प्रेम दिखाने वालों को मोदी सरकार ने करीब एक साल नजरबंद रखा, लेकिन उसके बाद इन लोगों को आजाद किया गया है। बावजूद इसके इनका पाकिस्तान प्रेम उमड़ कर सामने आ रहा है। घाटी की दो राजनीतिक पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP का झुकाव पाकिस्तान की तरफ होता है और इसका सबूत एक बार फिर NC के पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने दिया है। एक तरफ पाकिस्तान भारत में आतंक फैला रहा है, बॉर्डर पर गोलीबारी कर रहा है और इन सब के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसके साथ बातचीत का समर्थन किया है। पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने लोकसभा में ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि सीमा विवाद खत्म करने के लिए अगर भारत चीन से बातचीत कर सकता है तो जम्मू कश्मीर में सीमा के हालात से निपटने के लिए दूसरे पड़ोसी के साथ भी वार्ता की जानी चाहिए। उन्होंने शून्यकाल के दौरान कहा कि सीमा पर झड़प की घटनाएं बढ़ रही हैं और लोग मारे जा रहे हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए कोई हल ढूंढना होगा। आप चीन से बातचीत कर रहे हैं ताकि वो लद्दाख सीमा से वापस चला जाए। हमें अपने दूसरे पड़ोसी से भी इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए बातचीत करनी होगी। फारूक ने शोपिया में मुठभेड़ में 3 लोगों के मारे जाने पर सेना की जांच पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि सेना ने मान लिया है कि शोपिया में 3 लोग गलती से मारे गए थे। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस मामले में अच्छा मुआवजा देगी। हालांकि PM मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पालना बंद करेगा तभी उसके साथ बातचीत संभव है। बावजूद इसके फारूक अब्दुल्ला पड़ोसी मुल्क से अच्छे संबंध चाहते हैं। सवाल है कि आखिर भारत का खाकर पाकिस्तान का गुण कब तक अब्दुल्ला साहब गाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।